नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निखिल गुप्ता और आप देख रहे हैं सी के न्यूज़ चौगामा की आवाज़ को। एकता विहार से देशभक्ति गीतों के साथ तिरंगा यात्रा निकाल स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। हर घर तिरंगा वितरण कर तिरंगा रैली निकाल क्षेत्र में देश प्रेम को बढ़ावा देते हुए सर्व समाज को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया गया। वहीं देश के वीर शहीदों की याद में भजन कीर्तन का आयोजन कर रुड़की रोड स्थित कृष्णा पैलेस पर कीर्तन मंडली द्वारा भगवान हरि के भजनों के साथ देश को सशक्त भारत बनाने और आपसी भाईचारे पर गीत गुनगुनाए। भजन कीर्तन के विशेष आयोजक उमेश त्यागी, नरेश कुमार बंटी, नीरज जैन, राकेश शर्मा व मनीष जैन आदि का विशेष सहयोग रहा। उमेश त्यागी ने कहा कि देश जब अंग्रेजों की हुकूमत के समय शिकंजे में था, उस वक्त भी देश के कुछ लोग गद्दार रहे हैं। आज देश सुरक्षित हाथों में है, पर देश के कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। देश को आज़ाद कराने में जिन वीर सपूतों का बलिदान रहा है, आज हम भारतवासी उनके कर्जदार हैं। उन्होंने कहा कि आज हम जिस स्वतंत्रता से देश में सुरक्षित हैं, उन्हीं वीर सपूतों की देन है। चौगामा की आवाज़ के लिए मुजफ्फरनगर से संवाददाता संजय धीमान की रिपोर्ट। दोस्तों, इसी तरह की जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जी अध्यक्ष जी, बताइए। आज ये कार्यक्रम उमेश जी ने किया है और इसी के परिप्रेक्ष्य में सब लोग यहाँ एकत्रित हैं। इसी प्रकार से आज़ादी के महोत्सव को लेकर के जो आज 75वां आज़ादी को वर्ष 75वां आरम्भ हुआ है, तो सभी लोगों ने, इस मोहल्ले के लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली और अपने देश की स्वतंत्रता के लिए कुर्बानी देने वाले शहीदों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, अपना अपने परिवार की कुर्बानियाँ दी हैं, उन सबको स्मरण किया गया है और वह स्मरण करने योग्य हैं भी। आज जो हम आज़ाद हैं, हमें सब सुविधाएँ हैं, बोलने की स्वतंत्रता है, काम की स्वतंत्रता है, इसके पीछे हमारे कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का बड़ा योगदान है। उन्हें स्मरण करना जरूरी है और उन्हें स्मरण सब लोग कर रहे हैं तिरंगा यात्रा में। उन्हीं से स्मृति को जिंदा रखने का, नौजवानों को, बच्चों को वो संस्कार देने का काम है, इससे अपने देश के लिए सोचने को भी। आज कीर्तन भजन क्या है? आज यहाँ कीर्तन भजन किया गया है उमेश जी के, उन्हें सारे परिवार ने, इष्ट मित्र लोगों ने कृष्णा पैलेस में, और इस तरह के कार्य करने से अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को मजबूती मिलती और सब उनके सब परिवार, सब बच्चे बाहर से आए हुए हैं, बेटी, दामाद, पुत्र, पुत्रवधू, पोत्र, सब नाती, रिश्तेदार, इष्ट मित्र सब यहाँ उपस्थित हैं, सब ने धार्मिक आयोजन किया है।